हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन आप स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि दोस्तों पता है आपको होगा, आपको फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम हो रहा था ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसे हम OBE बोलते हैं, वो ख़त्म हो चुका है। अब सेकेंड फेज़ का ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें दो ऑप्शन है, चाहे आप ऑफलाइन दे दो चाहे आप ऑनलाइन दे दो। ठीक है, तो अब देगा कैसे? अगर मान लो ये पहली बात, तो ये बात करें तो सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन है किन बच्चों के लिए, तो जो बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया था या किसी कारण से वो दे नहीं पाया था, या तीन सब्जेक्ट का दिया एक सब्जेक्ट का नहीं दे पाया। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम छूट गया हो, किसी कारण से दे नहीं पाया, जो भी प्रॉब्लम थी, तो वो बच्चे इसमें अपेयर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम आप सभी के मन में क्वेश्चन था कि अपेयर कैसे करेंगे। तो अपेयर करने का तरीका ये है, आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद उसके अंदर मैं डिटेल दोगे कि भाई मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ, मेरा ये वाला क्वेश्चन पेपर छूट गया था या मुझे दोबारा देना है, तो आपके वहाँ से मतलब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, तो उसका डेट आ चुका है, देखो तरीका आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन के अंदर में जो भी सर्च इंजन है आपके फ़ोन में, वहाँ पर जाइए। जाने के बाद ना ये डायरेक्टली आप गूगल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी DU डाल दीजिए। ठीक है, DU.ac.in देख रहा होगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये DU लिख दीजिए, DU.ac.in। उसके बाद अपने फ़ोन में आइए, इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, या फिर लैपी में जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो आइए। आने के बाद जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेकेंड फेज ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE। ठीक है, ये है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन का PDF खुलेगा, जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही ऑन करूँगा तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें पूरा बता रखा है कि किस तरह से आपका होगा। 14 तारीख से एग्ज़ाम है, डेट शीट भी आ चुकी है। डेट शीट अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैंने डेट शीट के ऊपर मैं वीडियो डाउनलोड बना दी है, वहाँ पर आप देख लीजिए कैसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे होने वाला है। जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, वो आपका 8 सितंबर तक का। ये ID है, ठीक है, ये आपका वेबसाइट, एक तरह से मान लो पोर्टल लिंक है, जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। तो इसको लिख लो, पर इतना बड़ा लिखने से अच्छा आएगा कि आपको PDF जो है मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, अब इसको भरने के लिए करना क्या है, इस पर डायरेक्टली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह का इंटरफेस पे पहुंचा देगा। ठीक है, इस तरह के इंटरफेस पे पहुंचा देगा, जहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकंड फेज ऑफ OBE। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है कि कैसे कैसे क्या भरना है, कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यस का जो साइन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यस या नो, दो ऑप्शन है, तो यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू स्टूडेंट लॉगिन, जैसे ही आप गो टू स्टूडेंट लॉगिन पे आओगे, यहाँ पे आपका पूरा इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा वापस से अगेन। ठीक है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, अब यहाँ पे लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है, ठीक है, वो रोल नंबर डालोगे, स्टूडेंट नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे, यार मेरे पास एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं है। तो दोस्तों, आपका हॉल टिकट तो सभी स्टूडेंट्स का आया था, ठीक है, पीछे जब एग्ज़ाम हो रहा था तो हॉल टिकट सभी के स्टूडेंट्स का आया था, तो वो हॉल टिकट नहीं आपने डाउनलोड किया तो जाके वापस से डाउनलोड करें। ठीक है, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है कि कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना है, या एडमिशन जो कहते हैं वो, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर मिल जाएगा, स्टूडेंट नेम, अपना नेम फिल करें, डेट ऑफ बर्थ डालें। जैसे ये सारा कुछ फिल करोगे आगे चले जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये सब नहीं है, ये आपके पास कुछ भी नहीं है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर में सारा कुछ आपको एक एक चीज़ न्यू रजिस्ट्रेशन में, अगर जो आपका एक बार इधर लॉगिन हो जाता है ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ही मेनली आपको करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उनका न्यू रजिस्ट्रेशन में ही करना है, जिसमें सारा एग्ज़ाम टाइप कैसे होने वाला है, एनुअल सेमेस्टर, सारा कुछ एक एक चीज़ फिल करते जाओ। फिल करने के बाद वहाँ पर सब कुछ, जब user ID पासवर्ड बन जाएगा तब आप वहाँ से लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे सबमिट करोगे वहाँ पे एक तरह से रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भाई हाँ ये बच्चा है, इसको दोबारा से एग्ज़ाम देना है। इसमें मेनली भरोगे क्या क्या, तो कॉलेज नेम है, जैसे जो SOL के स्टूडेंट हो SOL डालेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम सेशन है, कौन सा एग्ज़ाम सेशन होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक, एग्ज़ाम टाइप, जो बच्चे का साल में एक बार एग्ज़ाम होता है वो एनुअल डालेगा, जिनका वो ऐसे होता है सेमेस्टर वाइज होता है सेमेस्टर डालेगा। एग्ज़ाम फ्लैग क्या होता है ये देख लो, यहाँ पे डालते जाओ, सारा डालना है आपको, एक एक चीज़ डालते जाओ, पार्ट कौन सा है, पार्ट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, स्टूडेंट टाइप कैसा स्टूडेंट है, क्या है स्टूडेंट टाइप में, मतलब जो आगे सेलेक्ट करोगे ना कि कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा।
जेंडर डालना है, नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपके फादर नेम डालना है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर जो होता है आपके आई कार्ड पे वो डालना है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर डालना है। ये व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी इसलिए लिया जा रहा है कि अगर मान लो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो होगा। और यहाँ पे सब कैटेगरी है ना कि कौन सी कैटेगरी में देना है, यहाँ पे वो एग्जांपल हो जाएगा कि किस तरह से आपकी कैटेगरी क्या है, वो सब कुछ, ठीक है। और जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे इसलिए मांग रहा है कि आप ऐसा नंबर दो जो जिस पे व्हाट्सअप भी की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके व्हाट्सअप पे भी क्वेश्चन पेपर भेजा जा सके और व्हाट्सअप पे आंसर शीट आप भेज सको। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछें, ठीक है। इवन हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको 24 घंटे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।